नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल, आपका होस्ट, और आपका स्वागत है टेक सेवर टीवी पे। आज हम लोग अपना टेक टॉक यानी कि टेक न्यूज, जो मैं आपको प्रॉमिस किया था कल कि हर रोज एक टेक न्यूज के ऊपर वीडियो आपको लाके दूंगा, उसका फर्स्ट एपिसोड आज हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो खबर आती है वो आती है ओप्पो से। ओप्पो का नया फोन जो है ओप्पो F3+ लॉन्च होने वाला है, ऐसे लॉन्च हो गया है। दोस्तों इस फोन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 653 का प्रोसेसर, और ये 1.9 GHz होगा। और दोस्तों इसमें आपको कैमरा जो है वो ये लोग बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको। जब बैक कैमरा है वो 16 MP का तो मिलता ही, और सामने दोस्तों आपको दो कैमरे मिलते हैं, यानी कि एक 16 MP का कैमरा रहेगा, एक 8 MP कैमरा। अब सामने दो कैमरे का क्या यूज़ है वो तो अभी पता नहीं, वो फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि उससे क्या फीचर्स आ रहे हैं डुअल फ्रंट कैमरा से। और दोस्तों इसका जो बैटरी है 4000 mAh का है, स्लिम है बहुत, 7.3 mm का है बोल रहे हैं। और इसका जो स्क्रीन है दोस्तों वो 6 इंच का है, और इसमें आपको एंड्रॉयड 7.0 नोगट मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 30,990 rupees है, तो बहुत ही कॉस्टली फ़ोन है। अब देखते हैं, मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा, जैसे ही सारे स्पेक्स रिलीज हो जाए एक बार मैं इसका रिव्यू लेके आपके पास लौटूंगा। तब तक चलिए दूसरे न्यूज़। तो दोस्तों दूसरा जो न्यूज़ है वो आता है जियो की तरफ से। जियो का नया ऐप जियो ट्यून्स लॉन्च हो गया है, और ये अभी सिर्फ iOS पे लॉन्च हुआ है दोस्तों। ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा, जो एप्पल यूजर्स वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। एंड्रॉयड में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्द विदिन 1 वीक ये लोग बोल रहे हैं कि लॉन्च हो जाएगा। तो जियो ट्यून्स से आप दोस्तों अपना जो कॉलर ट्यून है वो सेट कर सकते हैं अपने जियो नंबर का, और पहले 30 दिन के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। तो आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपना कॉलर ट्यून सेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं तीसरे न्यूज। दोस्तों तीसरा जो न्यूज आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का नया फोन गैलेक्सी C5 प्रो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। इसके स्पेक्स कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 4GB रैम मिलता है, 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 16 MP का फ्रंट और 16 MP का रियर कैमरा मिलता है। और इसकी जो बैटरी है दोस्तों वह 2600 mAh की। आगे देखते हैं इसमें और क्या नए फीचर्स ऐड होते हैं, इसकी प्राइस क्या होती है वगैरह वगैरह। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, यानी कि फोर्थ न्यूज़। चौथा जो न्यूज़ है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ही आता है MI की तरफ से, जो कि आजकल इंडिया के मार्केट में पूरी तरीके से छाई हुई है। इसका जो MI 6 है, जो लेटेस्ट मॉडल है इसका, वो रिलीज होने वाला है 16 अप्रैल को दोस्तों। और इसके स्पेक्स कुछ इस प्रकार होंगे। इसमें आपको 5.2 इंच का फुल HD TFT डिस्प्ले मिलेगा। इसके वेरिएंट्स आएंगे कुछ इस प्रकार, 4GB, 64GB, 6GB, 128GB और 4GB, 32GB। ये तीन तरह के वेरिएंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। कलर वेरिएंट भी शायद से 2-3 हो, उसके बारे में अभी कोई लीक नहीं है दोस्तों। इसमें आपको जो कैमरा मिलेगा दोस्तों वो होगा 19 MP का, और इसमें सोनी का IMX400 का सेंसर यूज होगा। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों वो होगा स्नैपड्रैगन 835, जो कि लेटेस्ट है ऑलमोस्ट। और ये बहुत ही अच्छा है कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक नया फ़ोन नहीं लिया, प्लान करें, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसका प्राइस हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो, ऑलमोस्ट 20K के आसपास मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ न्यूज़। दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया का 150 जो मॉडल है लेटेस्ट, वो रिलीज हो चुका है इंडिया में, और आपको अमेजन से ही मिल जाएगा 1950 में। इसमें आपको 240x320 का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 2.4 इंच का है। और इसमें बैटरी भी बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है इसका, रेगुलर यूज़ के लिए अच्छा है। इसमें आपको VGA कैमरा मिलता है विथ फ्लैश। तो दोस्तों अगर आपको कम प्राइस में रेगुलर यूज़ के लिए, रफ यूज़ के लिए कोई फ़ोन चाहिए, तो नोकिया से इससे बेहतर कोई ऑप्शन मुझे अभी के मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। दोस्तों आज का जो ये आखिरी न्यूज़ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। और ये दोस्तों एक कंपनी है जो दे रही है 11 रुपये में 1 GB का डेटा, और 47 रुपीज़ में आपको 56 GB का डेटा मिल रहा है, और वो भी 4G।
तो 11 रुपए में जो आपको 1 GB मिलता है वो दोस्तों आपको एक दिन के लिए मिलता है, और 47 रुपीज की रिचार्ज में आपका जो अभी के लिए ऑफर चल रहा है थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए, आपको बहुत जल्द ये सिम लेके रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ उन्हीं सिटीज में अवेलेबल है जहाँ पे इस कंपनी का, जिस कंपनी का मैं आपको नाम थोड़ी देर में बताऊंगा, उस कंपनी का 4G आपको नेटवर्क मिलेगा, वही जगह पे आपको इसकी सर्विसेज मिलेगी ये 47 रुपीज में 56 GB का। तो दोस्तों 47 रुपीज में 56 GB आपको 28 डेज के लिए मिलेगा, और आपको हर दिन 2 GB मिलेगा हाई स्पीड डेटा, और 2 GB के बाद आपको जो है आपका स्पीड कम हो जाएगा 128 kbps। और दोस्तों 11 रुपीज में 1 GB का डेटा आपको एक दिन के लिए मिलता है। और दोस्तों कंपनी का नाम है टेलीनॉर, जी हाँ टेलीनॉर ने ये ऑफर दिया है जियो को टक्कर देने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप लकी है और आप ऐसे शहर में रहते हैं कि दिल्ली मुंबई जहाँ पे टेलीनॉर की 4G सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप जल्दी जाइए आज लीजिए टेलीनॉर का सिम और करिए रिचार्ज और करिए एंजॉय। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा जो ये नया टिकटॉक का जो मैंने एपिसोड चालू किया है आज से, जो हर रोज वीडियोस आएंगे, ये आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कीजिए, और या फिर अगर आपको यहाँ पे साइड पे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक और ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो साइड में आपको दोनों साइड लिंक दिखाई दे रहे होंगे, उसको अपने URL में कॉपी कीजिए और पेज खोलिए और हमें लाइक और फॉलो कीजिए ट्विटर और फेसबुक पे। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, कल फिर वापस आऊँगा टेक टॉक के नए एपिसोड लेके और आपको नए इन्फॉर्मेशन देने। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और हमारे वीडियोस पहुंचेंगे आपके पास सबसे पहले। तो अलविदा एंड जय हिंद।